हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप आप और आपका परिवार सब ठीक हो। आज मदर्स डे है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ छोटा सा मदर्स डे स्पेशल ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मा आज क्या बनाती है, मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ, ये सब। तो चलिए आपको लेकर चलते किचन में। मम्मा कुछ स्पेशल स्वीट डिश बना रही है, आपको वो दिखाएंगे कि क्या बना रही है। तो हम पहुंच गए हैं अपने किचन। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मा से। मम्मा चलिए कुछ बोलिए। आप क्या बना रहे हैं ये बताइए। अंगूरी रबड़ी। हाँ तो कैसे बना रहे हैं मम्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कढ़ाई में दूध डाल रही हूँ। हाँ आपके लिए। हाँ उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है दूध को। क्या करना है? गाढ़ा करना है दूध को। हाँ बॉईल करके। हाँ अगर आप चाहे तो उसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकती हैं। हाँ और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस टोपिया में क्या कर रहे हैं? ये आपके लिए पनीर बना रही हूँ। पनीर बना रहे हैं। अंगूरी बनाने के लिए ठीक है। और ये विनीगर है। ये विनीगर है। दो चम्मच विनीगर में दो चम्मच पानी डाली। अब इसका मम्मी पनीर फाड़ेगी। अब इसमें मम्मी धीरे धीरे करके विनीगर डाल रही है। दूध को अच्छे से स्प्लिट करना है। ये देखिए दूध में हमारा अच्छे से स्प्लिट हो गया है। अब इसे हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे हमारी दूध सीज रही है रबड़ी के लिए। और यहाँ पे दाल भी बन रही है लंच के लिए। मल्टीटास्किंग काम हो रहा है। दूध को बीच बीच में हमें चलाते रहना है। देखिए मम्मी यहाँ पे अब छेना को छान रही है। इसे थोड़ा ठंडा पानी में धो लेंगे छेना ठंडा करने के लिए। और इसमें जो भी विनेगर के जो भी इसमें विनेगर की खटास रहेगी सब निकल जाएगी। मम्मी छेना को एक प्लेट में निकाल दिए है और फिर टिश्यू की हेल्प से इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो हमारी जो वो छोटी छोटी रसगुल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मेस करना है। करुणा दीदी, ये है हमारी यहाँ की करुणा दीदी जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती है। करुणा दीदी कुछ बोलिए आप। क्या बोलूं? कुछ भी बोलिए। मम्मा दम लगा कर है या मम्मी के अकॉर्डिंग छेना उतना अच्छा नहीं फटा आज, बट चलिए देखते हैं हमारी अंगूरे रसमलाई कितनी अच्छी बनती है। अगर छेना अच्छा नहीं फटा हो तो आप उसे मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं, फिर हाथों से उसे अच्छे से स्मूथ कर ले।
अब इसे मम्मी ने डो के जैसे बना लिया है, जब ये डो के तरह हो जाए तो समझ लीजिए ये हमारा हो गया है। हमारा डो अब बिल्कुल रसगुल्ला बनाने के लिए तैयार है। मम्मा अब इसमें क्या बना रहे हैं? ये सूगर सिरप बना रहे हैं रसगुल्ले के लिए। मम्मी रसगुल्ले के लिए यहाँ सूगर सिरप बना रही है। यहाँ पर मम्मी ने एक कटोरी चीनी लिया है, उसमें 3 कटोरी पानी डाल रही है और बीच बीच में हमें अपनी ये दूध भी चलाते रहना है। इस तरह से छोटा छोटा रसगुल्ला हमें बनाना है। हाँ, छोटा छोटा बिल्कुल हल्के हाथों से। बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। हल्के हाथ मुझे सॉफ्ट नहीं लग रहा, अंदर से हार्ड हो जाएगा। अगर आप इसे हल्के हाथ से नहीं बनाएंगे तो ये भीतर से हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा और टूटने का भी चांसेस रहेगा। शुगर सीरम को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो शुगर नीचे लग जाएगी। इस तरह से हमारे सारे बॉल्स बनके रेडी हैं। अब इसे हम शुगर सीरम में डालेंगे। मम्मा शुगर सीरम में डालते टाइम फ्लेम को कैसे रखना है? फुल रखना है, फुल फ्लेम में डालना है। फुल फ्लेम में रखना है, ठीक है। उबाल कम नहीं होना चाहिए इसका, कंटिन्यू बना रहना चाहिए और बीच बीच में गर्म पानी इसमें अगर कम हो जाए इसकी लस्सी शुगर सीरम तो बीच बीच में डालते रहना। अब इसे ढक के ही कुक करना है और बीच बीच में इसे देखते रहेंगे हटा हटा कर। और यहाँ पे हमारी रबड़ी बन रही है। इसे बनने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है। लुक एट दिस, ये हमारी रसगुल्ले। हाँ मम्मा, अब इसे वापस से हम ढक देंगे एंड ये रबड़ी हो रहा है यहाँ पे। करुणा दीदी नीचे फ्रूट्स काट रही है। एक्चुअली इनका नाम करुणा है तो ये बोल रही है करोना है सावधान। और मम्मा वहाँ ड्राई फ्रूट्स काट रही है। रबड़ी हमारा हो गया है, उसमें अब हम शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर हम 2-3 स्पून ही ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो रसगुल्ला बन रहा है उसमें शुगर है, तो शुगर हमें अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। अगर आप कम खाते हैं तो कम कर लीजिए, बट ज़्यादा मत करिएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। Thank you.
और यहाँ पे हमारा रसगुल्ला देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम शानदार। इसमें अभी और कितना टाइम है? बस 5 मिनट। इसको चेक करके बताइए मम्मा, कैसे पता चलेगा कि रसगुल्ला हो गया है? इसमें एक बाउल में पानी ले लो, एक ही बाउल उठा के देखिए, एक बाउल में पानी था उसमें एक पीस ये रसगुल्ला उठा के इसमें डाल के देख रही हूँ मम्मी, अगर ये नीचे बैठ गया तो समझ जाइए ये हो गया। ऐसे दबाने से टूट नहीं रहा है ना? हाँ, टूट भी नहीं रहा है दबाने से, तो ये हो चुका है। इसमें बीच में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए। पाँच मिनट हो गया है, अब इसे निकाल रही है चलनी पे। स्ट्रेनर पे निकालने से ये होगा कि जितना भी शुगर सिरप है वो स्ट्रेन हो जाएगा इसमें। अब ये जो बॉल्स है ये रबड़ी में डाल दिए मैंने। अब इसे रबड़ी में डाल के 5 मिनट थोड़ा सा इसे कुक करना है, जिससे बॉल्स के अंदर रबड़ी चला जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आमंड्स एंड पिस्तासो डाला है। ये बॉइल होने स्टार्ट हो गया है। अब इसे मैं आपको एक सर्विंग बॉल में निकाल के दिखा रही हूं। और आपको मैं कुछ देर में वो रस मलाई टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कैसा बना है। उससे पहले हमारे यहाँ कुछ भी स्वीट डिश बनता है उसे हम भोग लगाते हैं, या फिर बिना अनियन गार्लिक का कुछ भी खाना बनता है वो भोग लगाते हैं। तो पहले उसे मैं भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी, फिर बताऊंगी। तो ये जा रहा है अब मंदिर भोग लगने के लिए। ये है हमारे घर का मंदिर, ये है श्याम बाबा। रस मलाई इसमें डालेंगे, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। बिना तुलसी के पत्ता का भोग नहीं लगता है श्याम बाबा को।
अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमने सोचा था कि मदर्स डे पे हम घर में केक बनाएंगे, बट मैं नहीं बना पाई इसलिए हमने बाज़ार से ऑर्डर कर लिया। तो चलिए देखते हैं केक कैसा आया है। तो हमने केक क्रेजी फूड केक से मंगवाया है और अभी कोई भी केक पार्लर में ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने ब्लैक फॉरेस्ट ही मंगवाया है। सो दिस इज़ आर केक। चलिए अभी से मम्मा के पास लेके चलते हैं और कट करवाते हैं। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। माँ ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरी बातों में अपनी हर एक में उलझन हल पा लेता था। वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने मदर डे सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। फर्स्ट अटेम्प्ट है, थोड़ा गलती हो सकता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपना मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवलीज मम्मा। बाय बाय, टेक केयर।